कि कैंपस के भीतर अलग अलग सवाल है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बनाया जाए, सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7 खोला जाए, पीडब्ल्यूसी के भीतर केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त किया जाए। इस बार जो पटना विश्वविद्यालय में पिज्जा बर्गर पॉलिटिक्स लेकर के कई सारे छात्र संगठन आए हैं, जो समस्या होगा हम उस पर उतरेंगे। एजेंडा क्या चीज है जी? पटना छात्र संघ इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी है, नामांकन भी हो चुके हैं और नामांकन के बाद जो अलग अलग उम्मीदवार हैं उनकी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार पूरी तरीके से चालू है। आज मैं आपको लेके आई हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी आपको दिख रहे होंगे जो आए हुए हैं और पर्चों के साथ अपनी उम्मीदवारी बताने के लिए और वोट मांगने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मैं कुमार दिव्यम हूँ, आईसा से हूँ। जी, तो आपका एजेंडा क्या है, किस चीज़ पे आप वोट मांग रहे हैं? एग्जैक्टली, हमारा एजेंडा है कि कैंपस को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम सवाल जो हैं कि कैंपस के भीतर अलग अलग सवाल है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बनाया जाए, सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7 खोला जाए, पीडब्ल्यूसी के भीतर केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त किया जाए। जो एक तरफ ये सरकार जो वर्तमान बिहार की सरकार वे दावा करती है कि हम बिहार के भीतर केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त किए हुए हैं, तो यही हम सवाल करते हैं कि क्या पीडब्ल्यूसी की लड़कियां बिहार की लड़कियां नहीं है, ये बिहार की बेटियां नहीं है, तो ये सरकार का दावा फेल है। इसके अलावा हमारा जो एजेंडा है कि हर एक कॉलेज के हर एक फ्लोर हर एक डिपार्टमेंट में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर जो मशीन आती है वो लगाया जाए, मुफ्त दिया जाए। पीडब्ल्यूसी के भीतर कई सारे छात्राओं का डिमांड है कि मोबाइल के यूज के लिए हमको दिया जाए। यहाँ पर रेगुलेशंस डिसिप्लिन के नाम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो पीडब्ल्यूसी के भीतर थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, माइंड का एक्सपोजर हो, कैंपस के भीतर थोड़ा सा छात्र संगठनों को भी आने दिया जाए। ये तमाम जो हमारे डिमांड है, पटना विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों के लिए बस सेवा चले, ये जो पहले चलता था इसको छात्र संघ में आने वाले लोगों ने बंद करा दिया। तमाम जो कॉलेजेस हैं, पटना कॉलेज जाइए, पटना साइंस कॉलेज जाइए, कैंटीन बंद पड़े हैं, वो कैंटीन को खोला जाए। ये तमाम जो हमारे एजेंडे हैं, जीएसकेएस जिसको हम जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, जो छात्राओं के लिए जेंडर इक्वालिटी के लिए कैंपस में काम करता है उसको, और वो उनको जेंडर इक्वालिटी बनाने के लिए कई सारे सेमिनार्स वर्कशॉप्स आयोजन कराता है, वो हो। तो ये तमाम हमारे सारे जो डिमांड्स हैं, ये छात्रों के डिमांड्स है, इस एजेंडे पर आईसा इस बार छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ ये राजद से जुड़ गए हैं, इनके प्रत्याशी भी पटना छात्र संघ चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, बात करते हैं। जी बताइए। मेरा प्रेसिडेंट साकेत कुमार है और उपाध्यक्ष हिमांशु कुमार है। तो हम लोग छात्रों की समस्या के लिए, मेरी पार्टी जिसे राजद अभी भी बिहार में मजबूत है क्योंकि हमारे नेता जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, उसी तरह हम लोग पर छात्र छात्राएं वादा, मतलब हम लोग वादा हम लोग नहीं करते, उन लोगों की समस्या हम लोग सुनते हैं और उन लोगों को जो समस्या है उन्हें हम निदान करेंगे और हम लोग जीतेंगे तो कैंपेनिंग करेंगे। आपकी क्या कॉलेज में समस्या है उस समस्या को हम लोग डायरेक्ट अपने आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को पहुँचाएंगे और वहाँ से हम लोग निदान करेंगे छात्र। मतलब कुछ तो एजेंडा होगा, मतलब कुछ तो लेकर चल, हम लोग दूसरे पार्टी की एजेंडा नहीं लेकर चलते, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी कितना एजेंडा लेकर चलते हैं लेकिन क्या काम करते हैं, तो हम लोग एजेंडा नहीं ले सकते हैं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जो समस्या होगा हम उस पर उतरेंगे। एजेंडा क्या चीज़ है जी? हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं कि जेडीयू की तरफ से इस बार इलेक्शंस की जो तैयारियां चल रही हैं छात्र संघ की वो कैसी है? जी, जनता दल यू हम सबों के लोकप्रिय नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के डायनेमिक लीडरशिप में काम करने वाली पार्टी है। उसकी जो छात्र इकाई है, स्टूडेंट विंग है, छात्र जनता दल यूनाइटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, छात्र जदयू जो स्टूडेंट विंग है हमारी पार्टी की, उसके अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हैं आनंद मोहन जी, उपाध्यक्ष पर हैं विक्रमादित्य जी और महासचिव पे हैं खत्री जी, संयुक्त सचिव पे हैं और ट्रेजरर पे रविकांत जी, ये पांच पैनल और काउंसलर हमारे सभी पदों पे हम चुनाव फाइट कर रहे हैं। मैं इसी विश्वविद्यालय से पढ़ा था, इसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य महाविद्यालय से पहले अध्यक्ष बना, फिर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश के छात्र यूनिट का प्रदेश अध्यक्ष बना। नीतीश जी के साथ हमारे मतलब पुराना हम लोग का घर संबंध है और हम लोग शुरू से ही नीतीश जी के किए हुए कामों से प्रभावित हैं, ये नहीं कि हम लोग किसी कहने से सुनने से, जो आप खुद सोचिए कि उस व्यक्ति के पार्टी से हैं जिस व्यक्ति ने, अगर सच्चाई आप पूछिए तो हम जिस कॉलेज के सामने हैं, क्या नाम है, पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना महिला महाविद्यालय, अगर सच में पूछिए तो नीतीश कुमार ने अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो छात्राएं और महिलाएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे
नीतीश कुमार जी के राज में क्या कोई अभी भी देश में कल्पना कर सकता है कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई नीतीश कुमार जी ने कितने बिना फीस का कर दिया। अरे जितना आपको कॉलेज आने जाने में भाड़ा लग रहा है उससे कम फीस आप कॉलेज को देकर के डिग्री लेकर जा रहे हैं, ये कभी कोई कल्पना भी किया था? ये नीतीश कुमार की देन है। और आप देखिए कि अपार स्नेह प्यार समर्थन, और जहाँ तक बात रही चुनाव की तो हम लोग पाँचों का पाँचों क्लीन स्वीप कर गए हैं, बस अब औपचारिकताएँ बाकी रह गई हैं। आपने देखा पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर बहुत सारे पार्टियों के उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर और हाथ में पर्चा लेकर छात्राओं को देने के लिए खड़े हैं कि उनकी छुट्टी हो और वो ये पर्चा जो उन्होंने ले रखा है अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की उनको देकर वोट की अपील कर सकें। और इस पर देखते हैं कि पटना इलेक्शंस में, पटना छात्र संघ चुनाव में किसका परचम लहराता है। कैमरामैन राजीव के साथ मधु, वॉइस स्कोप पटना।